अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का हार मकदम। वैसे मुल्क के संविधान की शुरुआत ही वी द पीपल यानी हम देश के शहरी के नाम से होती है। उस देश की तहजीब भी बेशकीमती होती है। दुनिया के तमाम मुल्कों में भारत की पहचान ही अनेकता में एकता है। बोलने लिखने की आज़ादी इसी आईन के तहत हर शहरी को दी गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में और खासकर जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर होने के बाद हिंदुत्व का जोर बढ़ने लगा और हिंदुत्व मतलब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना और देश के संविधान को बदलते हुए मनुवाद की हिमायत करना। सभी जानते हैं कि महज हिंदुत्व के नाम पर बहुजन समाज को बांटकर मनुवादी विचारधारा रखने वाले महज 3-3.5% सवर्णों को इख्तदार सौंपना, बदकिस्मती से यह फॉर्मूला कामयाब भी हो रहा है। बहुजन समाज को टुकड़े में तकसीम कर मुसलमानों को मुजरिम बनाया। भारत की सरजमीन पर सैकड़ों मजाहिब जबान तहजीबों को अगर किसी ने एक धागे में पिरोया तो वो इस मुल्क का संविधान है। लेकिन बहुजन समाज को तकसीम किया गया, मुल्क का असली दुश्मन मुसलमान बनाया गया और फिर हिंदुत्व की नई परिभाषा, इसके मानी और इसकी तफसीलात को भी बदल दिए गए। फिर मुगलों की तारीख को भी बदलने की न सिर्फ मांग की गई बल्कि भारत पर आक्रांताओं के तौर पर पेश करते हुए इन्हें तारीख के विलन साबित कर दिया गया। सभी जानते हैं कि टीपू सुल्तान से लेकर बहादुर शाह जफर और दिगर मुगल बादशाहों ने क्या क्या खदमात इस मुल्क की खातिर अंजाम दिए। शेर शाह सूरी ने तो मुल्क की तरक्की के लिए नई राहों को हमवार किया और यहीं से शहर की सफाई, रास्ते, पानी का इंतजाम, हर शहरी कैसे बुनियादी जरूरतों से महरूम न रहे इस पर जो काम किया है उसी नहज पर आज तक मुख्तलिफ म्युनिसिपालिटियों का निजाम कायम हुआ और चल भी रहा है। खैर, वक्त बदलता गया, अंग्रेजों ने हुकूमत की और ये बात ढकी छिपी भी नहीं है कि किसने अंग्रेजों की गुलामी, चापलूसी, मुखबिरी की और किस काम ने अपनी जानों के नजराने पेश कर मुल्क आजाद करा। लिहाजा तमाम तफसीलात पेश करने की जरूरत अब नहीं है। वो दौर भी आ गया कि मुस्लिम समाज को ही देश विरोधी साबित करते हुए अलग थलग करने की कोशिशें जारी हुई और अब तो इंतहा यह हो गई कि मुसलमानों के जज्बात जिस बात से जुड़े हुए हैं उन पर ही बिला खौफ बेझिझक हमला करना शुरू किया गया। मस्जिद, मदरसे, दरगाहों पर हमले तो शुरू है ही है पर अब मुसलमानों का फख्र, मुसलमानों के ईमान जिससे वाबस्ता है उसी मोहम्मद अरबी की जात पर हमला करना शुरू किया। लिहाजा एक टीवी शो में भाजपा के तर्जमान नूपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। भले ही भारत में इसका ज्यादा रद्दअमल ना नजर आया हो लेकिन दुनिया भर में इसको लेकर गुस्से की लहर देखी गई। भारत में कानपुर फसाद भी इसी मामले को लेकर हुआ, कई जगहों पर मुकदमे भी दायर किए गए लेकिन भारत में मुसलमानों की इस रद्दअमल को हमेशा की तरह नजरअंदाज किया गया और उस तरह का एहतजाज भारत में देखा भी नहीं गया और न ही भारत के किसी दीनी या सियासी रहनुमाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की। इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि नबी की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहने के बावजूद भी भारत का मुस्लिम कैसा खामोश रहता है, क्योंकि यहाँ के बड़ों ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि जुल्म सहेंगे लेकिन मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। अब यह जुल्म कौन सा सहने की बात कर रहे हैं? क्या नबी की शान में गुस्ताखी पर भी इसी पस मंजर में यानी कि जुल्म सहने के पस मंजर में लिया जाएगा? खैर, भारत में जो हालात है दुनिया की नजरें भी इस पर तवज्जो देने पर मजबूर हो गई हैं और इसे एक उम्मीद के तौर पर भी देखा जा सकता है तो गलत ना होगा। अमरीका, ब्रिटेन और दिगर यूरोप के अखबारों, मीडिया में मुसलमानों पर भारत में हो रही ज्यादती पर तबसरे किए जा रहे हैं। भाजपा संघी इस खुशफहमी में थे कि इन्हें कोई पूछने वाला है नहीं और हम भारत की सरजमीन पर संविधान भी बदलेंगे और हिंदू राष्ट्र को भी लाएंगे। लेकिन नूपुर शर्मा या फिर इससे पहले धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों की नस्लकशी पर खुले मंचों से ऐलान के बाद दुनिया भर में इसका रद्दअमल भी देखा गया। लेकिन अब जिस तरह अरब ममालिक ने फैसला सुनाया इसे भी भारत की फिरका परस्त हुकूमत सोचने पर मजबूर हो गई है। वैसे भी भारत में किसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने को तैयार नहीं, रुपया गिरता जा रहा है, बेरोजगारी ने तारीखी आंकड़ा पार किया है तो महंगाई ने भुखमरी के कगार पर मुल्क को ला खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया में अगर कोई नाकाम फॉरेन पॉलिसी है तो वो भारत की है। हाल ही में तुर्की ने भारत से भेजा हुआ गेहूं भी वापस भेज दिया। इसी तरह बढ़ती महंगाई के चलते बाहर मुल्कों से लेना देना भी बंद हो गया है। जाहिर है बाहर से आने वाला पैसा भी इससे रुक गया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तहरीक अब थोड़ा धीमी हो सकती है, इसका कुछ हद तक यकीन नूपुर शर्मा पर भाजपा की जानिब से भले ही नौटंकी ही क्यों ना हो पर कार्रवाई की गई। इससे एक और बात भी साफ हो जाती है कि अगर बाहरी मुल्कों के जरिए दबाव लाया जाता है तो भारत में फिरका परस्तों की नकील कसी जा सकती है। अब जब 10 दिन तक भाजपा हुकूमत खामोश रही, कुछ ने तो इसकी हिमायत भी करने की कोशिश की, कुछ ने तो इसे फ्रिंज एलिमेंट कहकर लिपापोती करने की कोशिश की, जबकि नूपुर शर्मा खुद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन मामला आलमी सतह पर बहुत ज्यादा ही चर्चे का बास रहा तो भारत सरकार यानी मोदी सरकार को मजबूरी में
नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा को बर्खास्त किया गया। सवाल यही उठता है कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है उसे तो मर्तबे ओहदे फिरका परत पार्टियों की जानिब से दिए जाते हैं, फिर ऐसी क्या बात हुई कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया गया। इतना तो इस बात से जरूर साबित होता है कि विदेशी मुल्कों का दबाव अगर आ जाए तो मोदी सरकार कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाती है। भारत के लाखों लाख लोग बाहरी मुल्कों में काम करते हैं, तकरीबन 50 लाख के करीब बताए जाते हैं, जिसमें खासकर यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएस, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं। खासकर मुस्लिम मुल्कों से आवाज उठने लगी है कि भारत के प्रोडक्ट्स का इसी गुस्ताखी को लेकर बायकॉट किया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी मुल्कों में जो मुलाजमत करने वाले हैं उन पर कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भी हमले किए जाए, क्योंकि जिस तरह से एक पूरे दुनिया में माहौल बना हुआ है उसे देखते हुए इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहां तक सुनने में आ रहा है कि कुछ भारत के काम करने वालों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें भारत वापस भेज दिया जाएगा। अब इस तरह का सख्त फैसला लेने के इम्कान के मद्देनजर मोदी हुकूमत को नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली भाजपा तर्जमान नूपुर शर्मा और आईटी सेल के नवीन जिंदल को बर्खास्त करने का फैसला लेना पड़ा। ईरान की हुकूमत ने इस गुस्ताखी रसूल पर मजम्मत की है तो भारत के सदर खुद कतर में मौजूद थे और इनकी मौजूदगी के वक्त भारत को माफी मांगने की भी मांग कतर हुकूमत की जानिब से की गई। इसी तरह दिगर मुल्कों से भी वजीर आजम मोदी को इज्तिमाई माफी मांगने की मांग की जा रही है। लिहाजा भारत को फिर एक बार भाजपा ने जिल्लत उठाने की कगार पर ला खड़ा किया है। भारत में कुछ जगहों पर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए, कुछ जगहों पर एहतजाज भी है, लेकिन यहाँ तो एहतजाज करने पर भी बुलडोजर का डर दिखाया जाता है, लेकिन जब बाहरी मुल्कों से दबाव होता है तो मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ती है। आखिर भारत के वजीर आजम ऐसे मामलों पर खामोश क्यों रहते हैं, जबकि 10 दिन का वक्त गुजर गया। इसका मतलब यही हुआ कि भारत में मुसलमानों की कोई कीमत नहीं, लिहाजा दिगर ममालिक में इसका रद्द अमल नजर आने लगता है तो कार्रवाई की नौटंकी जरूर की जाती है। भारत में मुसलमान एहतजाज भी करता है तो मुकदमे दायर किए जाते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की घर में आराम से बैठी रही। इससे एक बात यही साबित हो जाती है कि भारत में किसी भी धर्म की आवाम पर जुल्म हो जाता है तो विदेशी दबाव जरूरी है, इसका यही मतलब निकलता है। होना तो ये चाहिए था कि खुद भारत की हुकूमतें ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती, लेकिन भारत में तो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे उतना तुम्हें बड़ा बना दिया जाता है। नूपुर शर्मा नवीन जिंदल पर कार्रवाई के बाद नई शुरुआत कह सकते हैं, अगर खुद ही पहले कार्रवाई करते तो शायद आलमी सतह पर इतनी जिल्लत भी उठानी ना पड़ती। लेकिन भारत में आए दिन मुसलमान मस्जिद इबादतगाहों पर इस्लाम पर कुछ ना कुछ कहना, इन्हें निशाना बनाकर मुस्लिम समाज को हिरासा करना, अब दुनिया में मोदी को माफी मांगने की मांग भी बढ़ती जा रही है। लिहाजा जो भी हो पर दुनिया भर में भारत सरकार पर तबसरा भारत को विश्वगुरु नहीं बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिसके लिए मौजूदा मोदी हुकूमत ही जिम्मेदार है, इतना जरूर है। अब कुछ अहम खबरें। बेलगाम हवाई अड्डा रियासत का सबसे मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार हो चुका है, लिहाजा बेलगाम शहर से सामरा एयरपोर्ट तक बस सर्विस की मांग की जा रही थी, जिस पर अमल करते हुए डीसी बेलगाम नितेश पाटिल ने इफ्तिताह किए। बेलगाम सीबीटी से एयरपोर्ट 100 रुपए और रेलवे स्टेशन तक 150 रुपए टिकट रखा गया। इस बस सर्विस से आवाम को काफी सहूलत होगी ऐसा बताया गया। वही दूसरी तरफ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, 100 रुपए टिकट आवाम से ज्यादा लिए जाने की बात कही जा रही है, जबकि हुबली एयरपोर्ट 8 किलोमीटर के लिए 25 रुपए ले जाते हैं तो बेलगाम एयरपोर्ट 11 किलोमीटर है जिसके लिए 100 रुपए के और किस बिना पर लिए जा रहे हैं, लिहाजा इसे घटाने की मांग भी बढ़ती जा रही। बेलगाम शहर में बढ़ते गाड़ियां, दो पहिए कारों में होता इजाफा ट्रैफिक जाम का सबब बनते देखा जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक जाम से आवाम बेहाल होती दिखाई दे रही है। आज दूसरा रेलवे गेट तिलकवाड़ी पर ट्रेन के रुक जाने से ट्रैफिक जाम का नजारा देखा गया। शहर में इस तरह की वारदातें आवाम की परेशानियों में इजाफा कर रही है, जिस पर ट्रैफिक इंतजामिया तवज्जो दे और मसले को हल करे ऐसे आवाम की मांग है। हजरत फकीर मुकद्दम बॉय स्कूल की जानिब से यौम माहौलियत मनाया गया। सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत दुनिया भर में मुख्तलिफ मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, लिहाजा दरख्तों की अहमियत और इससे जुड़े फायदों के तहत हजरत फकीर मुकद्दम बॉय स्कूल में यौम माहौल मनाया गया, जिसमें बच्चों ने इस बेदारी प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। प्रिंसिपल जाकिर हुसैन लश्करी और स्टाफ ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में काफी मेहनत की।
वैसे 2023 के इंतखाबात की तैयारियां जारी है, पर फिलहाल टीचर्स इंतखाबात के मद्देनजर मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से शहर और अतराफ के दौरे बड़े लीडरों की जानिब से और तमाम पार्टियों की जानिब से की जा रहे। इसी के मद्देनजर JDS के मुखिया और साबिक वजीर आला HD कुमार स्वामी की बेलगाम शहर में आमद हुई। इस वक्त खानापुर हल्के के नौजवान कैद और सामाजिक खिदमतगार अलीम नाइक ने मुलाकात फरमाकर आने वाले इंतखाबात के उम्मीदवार की फहरिस्त में होने का इशारा जरूर दिया है। इनकी इस मुलाकात पर काफी चर्चा भी हो रही। वाजह रहे आलिम नाइक खानापुर हल्के में काफी सरगर्म रहते हैं। कोरोना के दौर में भी इन्होंने काफी सराहनीय इकदामात को अंजाम दिया था। एक और इत्तला के मुताबिक 2018 की उम्मीदवारी देने का वादा तो JDS पार्टी की जानिब से किया गया था, लेकिन पार्टी की जानिब से वादा निभाया नहीं गया ऐसा भी कहा जा रहा है। आने वाले 2023 के लिए क्या खानापुर से आलिम नाइक को उम्मीदवारी दी जाएगी, ऐसी चर्चा भी जारी है। अलिखरा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 10वीं इम्तिहानात में नुमाए नंबरात हासिल करने वालों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और एजाज से नवाजा भी जाएगा। बरोज बुध सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक मशहूर करियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप एक्सपर्ट मुबीन मुदस्सर 10वीं और 12वीं के तलबा और तालिबात की रहनुमाई और जरूरी नसीहत करेंगे। बेलगाम शहर के तमाम 10वीं और 12वीं के तलबा और तालिबात इसमें कसरत से शरीक होने का ऐलान अलिखरा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर की जानिब से किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।